एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पेशेंट ट्यूटोरियल में। और दीपावली के छुट्टियों के बाद छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी, पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5, चैप्टर चल रहा था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रैक्शन के डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद बात करेंगे इसके फैक्टर्स। आज हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं फ्रेंड। तो टेक्निक्स के नाम कुल कितने हैं, क्या उसके ट्रिक है, कौन कौन से टेक्निक्स होती है, इन्फ्यूजन प्रोसेस है, डिकॉक्शन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, मैसिरेशन प्रोसेस है, और परगोलेशन प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ देखें हार्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसको सॉक्सलेट अपरेटस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके पहले के सॉक्सलेट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है परगोलेशन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, फिर डिकॉक्शन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, मैसिरेशन। इन सब पे एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जब मैं आपको डिप्लोमा में सिविक्स पढ़ा रहा था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी वीडियो के लिंक पे जाकर क्लिक करिएगा, दोनों तीनों पार्ट को पहले जरूर पढ़िएगा, तब इस पे आइएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको पहले आप फिर से जाइए वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक क्लिक करिए, सारे लिंक दो तीन लिंक क्लिक करने के बाद सारा वीडियो पढ़िए और फिर खत्म करने के बाद यहाँ पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे, अगला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, या इसी को बोलते हैं हॉट कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये दो नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से दो एक्सट्रैक्शन एग्जाम में कई बार पूछे गए, एक परकोलेशन जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और एक है कॉन्टिन्यूस हॉट कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, या इसी को बोलते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का जो फ्रेंड एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्चुअल में एक असेंबली होती है चार पांच पार्टों की, अलग अलग चार पांच प्रकार के पार्ट्स होते हैं जिसकी असेंबली होती है। उस असेंबली की हम बात करते हैं। उस असेंबली में सबसे पहला एक होता है, पहला पार्ट होता है फ्रेंड, दिस इज द राउंड बॉटम क्लॉस, आरबीएफ जो है ये पहला पार्ट है इसके इस प्रोसेस के लिए। दूसरा है सॉक्सलेट ट्यूब, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये इसका दूसरा पार्ट है जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है। इस सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब में आपको एक अंदर का पेपर मिलेगा, जैसे आपने कभी देखो कॉटन होता है, पेपर होता है, फिल्टर पेपर देखा, उसी तरह से एक पेपर का एक जैकेट या बॉक्स बना होता है जिसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थिम्बल, जिसके अंदर हम ड्रग को भरते हैं, वो थिम्बल इसके अंदर भरा जाता है। एक बाहर में ट्यूब दिख रही है जिसको साइड ट्यूब कहते हैं, और एक साइड से ऊपर ट्यूब इसको सिफॉन ट्यूब कहते हैं। यानी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर तीन पार्ट होते हैं, साइड ट्यूब, सिफॉन ट्यूब, और नीचे होते हैं इसमें एक पेपर का एक जैकेट की तरह थिम्बल होता है। तीसरा पार्ट इसका होता है एडाप्टर, जो इन दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है, इसको एक्सटेंशन एडाप्टर भी कहते हैं। ये चौथा तीसरा पार्ट है, और चौथे पार्ट में होता है कंडेंसर। कंडेंसर आप जानते हैं क्या होता है, कि उसमें इन और आउट वाटर की सप्लाई देते हैं जिससे कि जो हमारा गैस होता है वो ठंडा होकर फिर से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी ये चार पार्ट मिल करके जब हम जोड़ते हैं, असेंबली करते हैं, तब जाके सॉक्सलेट अपरेटस हमारा बनता है। तो सॉक्सलेट अपरेटस को देखेंगे फिर से आपके लिए, कि ये आपके क्वेश्चन ही हो सकता है जीपैड का। सबसे पहला पार्ट है राउंड बॉटम क्लॉस, दूसरा है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब, तीसरा है एडाप्टर, और चौथा है कंडेंसर। और ये चारों को हम आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद काम करते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब में तीन चीजें होती है, बहुत ध्यान रखिएगा। अंदर एक पेपर का जैकेट है या चैम्बर है जिसको हम सिफॉन, जिसको हम थिम्बल कहते हैं। एक पाइप बाहर निकली जिसको सिफॉन ट्यूब कहते हैं, और एक पाइप साइड से निकली हुई जिसको हम साइड ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन हमारा एपरेटस हो गया, इन्हीं को हम आपस में जोड़ के फिट कर देंगे। इसको इसमें फिट करो, इसको इसमें फिट करो, इसको इसमें फिट करो, सब कुछ फिट कर देंगे तो पूरा का पूरा जो है एक सॉक्सलेट एपरेटस बन जाएगा। आप लोगों को कॉलेज नहीं चला है, लेकिन फ्यूचर में जब भी कॉलेज जाएंगे, आप कॉलेज खुलने वाले हैं, तो जाके लैब में ये प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। सभी कॉलेज में लैब में ये अवेलेबल है, वहां पर जाकर सॉक्सलेट पे एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। कोग्नोसी के प्रोसेस में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा जो पाउडर ड्रग है, उस पाउडर ड्रग से हमको एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना है, तो उसमें हॉट सॉल्वेंट जो है, हॉट सॉल्वेंट कई बार उस ड्रग से पास होता है, इसीलिए इसका नाम है हॉट कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्योंकि हॉट सॉल्वेंट कॉन्टिन्यूस मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, उस ड्रग से गुजरता है, और हमें एक्सट्रैक्ट जो है वो आरबीएफ में ही प्राप्त होता है। यानी जिसमें हमने शुरू में सॉल्वेंट रखा था उसी में हमको बाद में आरबीएफ में हमको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा।
तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कि द सॉक्सेट अपरेटस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इन दिस अपरेटस द पाउडर ड्रग इज प्लेस्ड ऑन द सिफॉन थिंबल एंड द सॉल्वेंट इन द वेपर फॉर्म पास फ्रॉम द ड्रग एंड द एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. ये सिंपल इसका प्रिंसिपल हो गया. अब हम बात करेंगे इसके एपरेटस की. पहली हेडिंग थी प्रिंसिपल, अब दूसरी हेडिंग है एपरेटस. तो एपरेटस में फ्रेंड आपको ये फिगर बनाना है और फिगर बना के आपको लिखना है कि बेसिकली द राउंड द सॉक्सेट एपरेटस कंसिस्ट ऑफ फोर काइंड ऑफ असेंबलीज. फर्स्ट इज राउंड बॉटम फ्लास्क, सेकंड इज सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन ट्यूब, थ्री इज एडाप्टर एंड फोर्थ इज द कंडेंसर. आपको चारों का नाम लिखना है और फिर आपको वहां पे चारों का फिगर बनाना है. अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की, कैसे काम करता है. इसको वीडियो को ध्यान समझिएगा आप जब भी लैब में काम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने बहुत से कॉलेजेस देखे हैं. मैं बहुत बच्चों को बाइबल लेने जब कॉलेज जाता था मैं देखता था कि सॉक्सेट एपरेटस की वर्किंग सबको समझ में नहीं आती और बहुत से टीचर इसको करवा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने खुद किया हुआ नहीं. इसलिए मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अपने पास अपरेटस तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे देखेंगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा. कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में दोस्त आपको जो ड्रग है उसको तोड़कर पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी जिस भी ड्रग का आपको एक्सट्रैक्शन करना है उस ड्रग को, क्रूड ड्रग को ड्राई करो, पीटो कूटो और उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करो. और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दूसरे स्टेप में जो कागज का एक पैकेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिंबल, उस कागज के पैकेट के अंदर इस ड्रग को क्या करो, फिल करो. बहुत ध्यान समझना, बहुत बारी बारी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करेंगे, इस कागज के थिंबल को बाहर निकालेंगे, उस थिंबल के अंदर इस पाउडर ड्रग को भरेंगे और पाउडर ड्रग को भरने के बाद इसके ऊपर हम कॉटन की एक लेयर लगाएंगे. क्या लगाएंगे फ्रेंड, कॉटन. यानी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पाउडर भर दिया, ड्रग भर दिया, ये देखिए ड्रग भर दिया और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉटन. कॉटन से क्या होता है कि ताकि हमारा जो लिक्विड है या ड्रग है वो ओवरफ्लो ना करे, वो सेफ रहे, तो एक कॉटन का लेयर लगा दें. ठीक है, क्वार्टर का लेयर लगा के हमने इसके एक्सट्रैक्शन ट्यूब में भरा. अब इस ट्यूब को क्या किया, हमने भर दिया. तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि फ्रेंड जो आरबीएफ है, इस आरबीएफ में हम क्या भरेंगे, मेंस्ट्रम. मेंस्ट्रम का मतलब होता है वो सॉल्वेंट जिसकी सहायता से हमको एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है. तो जो भी सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उस सॉल्वेंट को आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इसमें भर दें और भरने के बाद क्या करेंगे, चौथे स्टेप में अटैच करेंगे सारे अपरेटस को. यानी क्या करेंगे, अब इस हम पार्ट को आपके पूरे इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब को हम क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क सब फिक्स करेंगे. फिक्स करने के बाद ऊपर एडाप्टर लगाएंगे और ऊपर कंडेंसर लगाएंगे, इस सारे अपरेटस को फिट करेंगे और नीचे हम क्या रखेंगे, हीटिंग मेटल, जहां पे क्या होगा ये हमारा गर्म होना शुरू होगा. और यहाँ पे हम पाइप जोड़ देंगे, पाइप को नल से जोड़ देंगे, सिंक से जोड़ देंगे, लगातार वाटर की सप्लाई जाती रहेगी, पानी बाहर गिरता रहेगा ताकि ये कंडेंसर बाहर ठंडा होना शुरू हो जाए. चौथे स्टेप में सारे असेंबली को हम ज्वाइन करेंगे. पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, हम हीट करना शुरू करेंगे. अब क्या करेंगे, इस मशीन को चालू कर देंगे, हीटिंग ट्यूब को, और कॉइल को चालू करेंगे और इसको गर्म करना शुरू करेंगे. अब ये कैसे काम करता है, देखो दोस्तों, सेट करना आप सीख गए. आपके कॉलेज में जाएंगे बहुत से लोगों को, बहुत से टीचर्स को, बहुत से लैब असिस्टेंट को ये सेट करना भी नहीं आता है, क्योंकि किस प्रोसेस में कैसे सेट करते हैं, कहाँ पे ड्रग भरते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है. आप इसको ध्यान से सुनिए. सबसे पहले आप इसके अंदर ड्रग भरिए थिंबल में, इसको फिल करिए, इसमें सॉल्वेंट भरिए और सारा का सारा जोड़ दीजिए. अब क्या करेंगे, देखिए जैसे ही ये हीट होगा दोस्तों, यहाँ से वेपर निकलेगा. क्या निकलेगा, वेपर. और ये वेपर इस थिंबल, क्योंकि कागज का पैकेट है, इस कागज के पैकेट से पास होगा. जब इस कागज के पैकेट से पास होगा तो भाप बन के ऊपर उड़ेगा और कुछ यहाँ से भाप बन के ऊपर आएगा. देखिए, एक यहाँ से भी गुजरेगा और यहाँ से भी गुजरेगा, और जब यहाँ से भाप बन के गुजरेगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने पर कंडेंसर से ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ड्रॉप ड्रॉप करके कहाँ गिरेगा, इस कागज के थिंबल के अंदर. यानी इस कागज के थिंबल में पहले सिर्फ क्या था, पाउडर ड्रग था, लेकिन जैसे प्रोसेस शुरू होगा ये बूंद बूंद करके ये सॉल्वेंट भाप बन के नीचे गिरेगा और ये क्या करेगा, धीरे धीरे पाउडर जो है वो सोल्यूशन के फॉर्म में बदल जाएगा. भाई कागज का पाउडर था, इसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके जब सॉल्वेंट डालोगे तो ये भीगेगा, और जब भीगेगा धीरे धीरे गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा.
और जब गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा तो क्या करेगा, इसमें से ड्रग छल करके एक्सट्रैक्ट होकर के बूंद बूंद करके कहां गिरेगा, फिर से राउंड बॉटम ग्लास में। यानी जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट है वो इस सॉल्वेंट से डायरेक्ट नहीं मिला, सॉल्वेंट के स्टीम के कंडेंस होने के बाद मिला और बूंद बूंद करके इसमें इकट्ठा होगा और फिर बूंद करके कहां गिरेगा, आरबीएम। यानी इसी आरबीएम जिसमें पहले से सॉल्वेंट भरा है उसमें इस ड्रग का एक्सट्रैक्ट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट सॉल्वेंट में मिल गया, जो एक्सट्रैक्ट वहां से आया किसे मिल गया, सॉल्वेंट में। अभी फिर गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, भाप बढ़ता रहेगा, ये भाप फिर निकलेगा, फिर नीचे आएगा। यानी देखो ध्यान समझो प्रोसेस, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर गिरा है ये सॉल्वेंट के साथ मिलकर फिर भाप बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इससे गुजर के फिर नीचे आएगा। यानी ये बार बार एक्सट्रैक्ट हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, कब तक करता रहेगा, इसीलिए बोलते हैं हॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि लगातार चल रहा है। तो लगातार करते करते आप इसको छोड़ दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, एक दिन में कभी प्रोटोकॉल पूरा नहीं होता। 24 घंटे के लिए मशीन को चला कर छोड़ दीजिए, तो देखेंगे क्या धीरे धीरे उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, उठेगा, नीचे गिरेगा। ऐसे करते करते इस पाउडर का सारा ड्रग का एक्सट्रैक्ट जो है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और लास्ट में देखेंगे सारा सॉल्वेंट उड़ जाएगा और गाढ़ा गाढ़ा एक्सट्रैक्ट आपको इसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। ये है हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या सॉक्सलेट एक्ट। ये मैंने आपको इसका प्रोसीजर समझा दिया कैसे ये काम करता है। अगर प्रोसीजर को आप लिखना चाहें इंग्लिश में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द पाउडर पेपर थिम्बल एंड फिल द पाउडर ड्रग इनटू द थिम्बल। नाउ अटैच फिल द थिम्बल इनसाइड द एक्सट्रैक्शन ट्यूब एंड नाउ फिल द एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट इनटू द रॉयल वाटर फ्लास्क। नेक्स्ट पॉइंट में नाउ अटैच द ऑल द असेंबलीज, ठीक है, जॉइन द आरपीएफ एक्सट्रैक्शन ट्यूब एडाप्टर एंड द कंडेंसर and attach the condenser with the paper with the pipe running water and on the heater. After the heating process start, the extract becomes evaporate and goes outside through the side tube and after the condenser they comes into the siphon. They comes into the thimble and the powder drug the extract is drop wise fill into the RBM. And this extract is again mixed with the solvent and it is again evaporated and again comes down condensate and comes out into the RBM. And this process is running about 24 hours and after this the the concentrate extract is obtained into the right around bottom. ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेंड सिंपल सा इसका प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। बात करेंगे इसके एडवांटेज की, तो पहला एडवांटेज है दोस्त कि द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक एंड कंटीन्यूअस। यानी इस प्रोसेस को एक बार आपने चला के छोड़ दिया तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये लगातार प्रोसेस कंटीन्यूअस चलता रहेगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा। दूसरा इसका एडवांटेज है कि द सिस्टम यूजेस सम पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट रिपीटेडली व्हिच इज बीइंग पास थ्रू द सेम एवरी टाइम, दस द प्रोसेस सेव सॉल्वेंट बाय रिसाइक्लिंग इट ओवर द सैंपल। इसमें क्या होता है कि आपका जो सैंपल है दोस्तों, जो सॉल्वेंट है वो बार बार रिसाइकिल होगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बार बार इसके रिसाइकिलिंग होने के कारण क्या होता है, सॉल्वेंट का जो बचत है वो सॉल्वेंट हमारा वेस्ट नहीं होता है। तीसरा एडवांटेज है द प्रोसेस इज टाइम सेविंग टू प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ 500 ग्राम ड्रग द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड लेस देन 24 आवर। यानी एक टाइम सेविंग प्रोसेस है, करीब 500 ग्राम ड्रग को एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए हमको मिनिमम 24 घंटे लगते हैं और 24 घंटे में हमको उसका एक्सट्रैक्ट आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला एडवांटेज है कि प्रोसेस इज यूजफुल फॉर द एग्जॉस्टेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल स्पेसिफिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिंग ऑफ प्लांट मटेरियल इज डन बाय द यूजिंग पेट्रोलियम मिथेन एंड सॉल्वेंट। यानी इसमें किसी भी ड्रग का हम एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का यूज करके आसानी से इस प्रोसेस का यूज करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। पांचवा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सीरीज ऑफ एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्ट विद सॉल्वेंट ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी एग्जाम्पल पेट्रोलियम ईथर क्लोरोफॉर्म इथेनॉल द बेस्ट सुटेबल मेथड। यानी कि हम इसमें पेट्रोलियम ईथर का यूज करके क्लोरोफॉर्म इथेनॉल का यूज करके किसी भी एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्ट को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था इसका एडवांटेज, क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो ये था हमारा सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो सिंपल प्रकार का एक्सट्रैक्शन जो जिस तरीके थे हमने सारा खत्म कर लिया। याद रखिएगा इसके बाकी के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले होंगे, जिसको आपने देख लिया है लिंक में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास, बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में जो कि कुछ एडवांस तरीके हैं, तो उसको हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब से मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर।